थर्ड चैप्टर किरमिच की गेंद। किरमिच क्या होता है? किरमिच एक कपड़ा होता है, मीन्स कपड़े की बनी हुई कोई बॉल या गेंद। तो स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका बगीचे की ओर भागा। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और दिनेश बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको अचानक से एक आवाज़ आई कि जैसे किसी ने कोई चीज़ फेंकी हो, और वो उठकर बगीचे की ओर भाग गया। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, तवी धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला। तो पीछे से दिनेश की मम्मा ने उसको आवाज़ लगाई, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत गर्मी है। लेकिन दिनेश ने अपनी मम्मा की बात नहीं सुनी और वो बाहर को ही चला गया। लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी थी क्योंकि जून का महीना था। आपको भी पता होगा जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, जो ज़मीन है वो कितनी ज़्यादा गर्म होती है। तो लेकिन दिनेश ने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी और वो ऐसे ही बाहर भाग गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊँचे ऊँचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आराम किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जब वो बगीचे में गया तो बगीचे में क्या था? भिंडियों के पौधे लगे हुए थे, सीताफल की बेल लगी हुई थी और क्यारियों के चारों ओर केले के पत्ते लहरा रहे थे। दिनेश ने क्या किया? उसने भिंडियों के पौधों को उल्टना पुलटना शुरू कर दिया कि शायद जहाँ पे कुछ गिरा हो। जब उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला, फिर उसने सीताफल की बेल को फोलना शुरू कर दिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो उसने बाद में घूस का एक ढेर पड़ा हुआ था, उसने देखा कि वहाँ पर एक तो चमचमाती हुई गेंद पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। दिनेश ने क्या किया? उस गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाज़ार से खरीदा है। उसने उल्ट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिरमची इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत से इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की बुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। दिनेश ने क्या किया? वो चमचमाती बॉल उठाई और बाहर देखना शुरू किया कि ये बॉल कहाँ से आई है। फिर उसने अपने घर के सामने जो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग थी उसको देखा, उसके विंडोज़ देखे कि कहाँ से आई है ये बॉल। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, अनंत, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? फिर वो सोचने पर बैठ गया कि ये बॉल किसने खरीदी होगी। उसने अपने सभी फ्रेंड्स के नाम सोचने शुरू किए, सुधीर, अनिल, अरविंद, दीपक। वो सोच रहा था कि ये बॉल किसने खरीदी है, और अगर किसी ने खरीदी भी है तो उसको इतनी दोपहर में किसने फेंका होगा। हो ना हो जे गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी, पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर उसने सड़क के बाहर गोल चक्कर में देखा, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ गायें बैठी हुई थी। फिर उसको याद आया कि कितनी बार उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब वो बैट बॉल खेल रहे थे तो उनकी बॉल भी कहीं चली जाती थी और जो उनको कभी नहीं मिलती थी। तो एक बार तो उनकी जो बॉल थी ट्रक में ही चली गई थी, जो ट्रक चल रहा था।
तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। फिर से दिनेश की आवाज़ ने आवाज़ लगाई कि दिनेश सभी लोग तो अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम अकेले ही बाहर घूम रहे हो। दिनेश को हाथ में लिए हुए दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। फिर दिनेश सोचने लगा कि चाहे ही बॉल किसी की नहीं हो, लेकिन फिर भी सभी से एक बार पूछ लेना चाहिए कि बॉल किसकी है। गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब की में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तो जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी, तो दोपहर को तो कोई भी नहीं खेल सकता था, इसीलिए बच्चों ने एक क्लब बनाया हुआ था जिसमें उस क्लब में उनको बैट तो मिल जाते थे लेकिन बॉल खरीदने के लिए वो चंदा इकट्ठा करते थे और उसी इकट्ठा किए हुए पैसे से अपनी बॉल लेके आते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले जा सकता है। जब शाम को सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हुए तो फिर दिनेश ने बॉल के बारे में सभी फ्रेंड्स को बताया और साथ में ही कहा कि अगर किसी की बॉल है तो वो मुझे पहचान बताए और वो बॉल ले जाए। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई थी है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर अनिल वैसे ही बोला जैसे दिनेश ने कहा कि अगर किसी की गेंद है, तो अनिल बोला, गेंद तो मेरी खोई थी, तो ये कोई 4 महीने पहले खोई थी, तो वो बॉल तो नहीं थी, तो वो तो फिर दिनेश की उसकी अनिल की बॉल हो नहीं सकती। तो दिनेश ने फिर कहा कि वो बॉल तुम्हारी नहीं है, फिर वे मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो सुधीर वैसे ही बोला कि फिर गेंद वो मेरी होगी। दिनेश ने फिर से पूछा, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वह कैसा हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, बिना देखे बता तब जानूं। दिनेश ने बोला कि गेंद देखकर तो सभी बता देते हैं कि क्या निशानी है गेंद की, क्या नहीं है। निशानी तो वही होती है ना, जो अगर किसी की चीज़ है तो वो बिना देखे ही उसको बोले कि हाँ भी मेरी चीज़ के ऊपर जे वाला निशान था। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सीधा करते तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो बातें चल रही थी तो उसी समय दीपक भी आ गया। वो काफ़ी चतुर था, चलाक था, वो अपने मतलब के लिए किसी को भी मित्र बनाता था। तो दीपक ने भी बोला कि गेंद मेरी है, कैसी है तेरी? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो सभी मित्रों ने पूछा, सभी फ्रेंड्स ने पूछा कि वो गेंद कैसे हो सकती है तेरी, क्योंकि तुमने ही तो बोला था कि तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे ही नहीं दे रहे हैं। तो मेरी गेंद है, 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। फिर से दीपक बोला कि वो 5 महीने पहले खोई थी, जब उसके बड़े भैया की शादी हुई तो सुनील ने उसकी बॉल छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। तो दिनेश को ये भी पता चल गया कि ये बॉल उसकी नहीं है। कैसे पता चला उसको? क्योंकि दिनेश बोल रहा था कि वो गेंद मैंने 5 महीने पहले गुम गई है, लेकिन जो बॉल थी वो तो नहीं थी, इसलिए दिनेश ने बोला कि ये बॉल दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। फिर अनिल बोला कि ये कैसे
कैसा प्रूफ कर सकता है कि जी गेंद तेरी है, जी वही नीचे फेंकी हुई गेंद है जो सुनील ने फेंकी थी। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। फिर दीपक ने कहा कि मैं सबूत दे दूंगा कि वो गेंद मेरी है। वह जानता था कि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। फिर दिनेश ने कहा कि मैं गेंद लेके आता हूँ, लेकिन जब तक पता नहीं चलता वो गेंद किसकी है, मैं तब तक गेंद किसी को भी नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, मेरी गेंद है, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो जैसे ही दिनेश गेंद लेकर आया, दीपक उसी टाइम बोला कि ये गेंद मेरी है, इसके ऊपर जो रेड कलर का मार्क है वो मेरी ही गेंद पर था। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। फिर अनिल ने बोला कि सभी बॉल्स के ऊपर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक फिर से बोला कि मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा, मैं अपने पापा को बोलूँगा कि वह बोले कि गेंद दीपक की ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अनिल वैसे ही बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई को बोल सकता हूँ कि जी गेंद दिनेश की है, कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज़ आती है, दीपक फिर से बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, जे गेंद उसी की है, जब वो धरती पे उसको पटकता था तो उसमें ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसे ही होगी, नील ने फिर से उसकी बात काट दी। तो अनिल ने फिर से उसको कहा, दीपक को, कि तू मेरे साथ बाजार चल, दुकानों में जितनी भी गेंदें होंगी सबके ऐसी ही आवाज़ आते हैं जब भी उनको हम नीचे मारते हैं। तो अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि नील और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुसाई होते हुए अपना अंतिम हथियार जमाया, बोला, जहाँ तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। दीपक ने फिर से बोला कि जान तो गेंद दे दो मुझे, नहीं तो मैं इसको सड़क पे मार दूंगा, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का एक गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबसे साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप ही रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। जब उसने देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो उसने कहा कि सभी अपने अपने बल्ले ले आओ, हम सब मिलकर इस बॉल से खेलते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था कि तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अभी वो खेल रहे थे, सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, तो दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था तो बॉल उनके जैसे ही वो खेल रहे थे बॉल उछलकर दरवाज़ा पार करते हुए सड़क पे चल रहे एक स्कूटर में। आपने कभी देखा होगा स्कूटर के आगे कभी कभी जाली बनी होती है जिसमें लोग सामान वगैरह रखते हैं, तो बॉल उसी में जा गिरी। और स्कूटर वाला जो स्कूटर चला रहा था उसको पता भी नहीं था कि बॉल उसकी जाली में पड़ी हुई है। बच्चे पहले तो चलाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वह समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े।
पहले तो सभी बच्चे स्कूटर के पीछे भागने लगे बॉल लेने के लिए, लेकिन झट से बच्चों को समझ में आ गया कि स्कूटर के पीछे भागना गलत है, क्योंकि स्कूटर की स्पीड ज़्यादा होती है। तो बच्चे कहाँ तक स्कूटर के पीछे भाग लेते,